नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। खबर आगर से है, जहां बीती रात 8-10 नकाबपोश बंदूकधारियों ने सराफा बाजार को निशाना बनाते हुए दो दुकानों में चोरी की। बदमाशों ने सब्बल से दुकानों के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने दो ज्वेलरी शॉप नकोड़ा ज्वेलर्स और सिद्ध श्री ज्वेलर्स में रखा सोने चांदी का पूरा सामान साफ कर दिया। वहीं चार दुकानों में चोरी करने के प्रयास भी किए। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हाथों में बंदूक लिए बदमाशों ने देर रात 3:30 से 4:30 तक चोरी की। बदमाशों ने सब्बल की मदद से पहले तो नकोड़ा ज्वेलर्स के ताले चटकाए और उसके बाद गट्ठर बनाकर दुकान में रखे सोने चांदी के आभूषण पार कर दिए। वो यहां से 3 बोरी आभूषण चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हुए। और इसी तरह से उन्होंने सिद्ध श्री ज्वेलर्स में भी चोरी की, जहां से करीब 35 से 40 लाख रुपयों का माल चोरी होना बताया जा रहा है। वहीं पुलिस पीड़ितों से बात करते हुए चोरी किए हुए माल की लिस्ट बना रही है। एएसपी नवल सिंह सिसोदिया ने बताया कि हथियारबंद बदमाशों ने अनुमानित 35 से 40 लाख रुपयों का माल चोरी किया है। घटना के बाद एसपी राकेश कुमार सागर ने सराफा बाजार स्थित पुलिस सहायता केंद्र को अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से इसमें एक एसआई, एक हवलदार और 4 सिपाही के साथ ही एक ट्रैफिक पुलिस की पोस्टिंग करने के आदेश भी दिए हैं। यहां 100 कदम की दूरी पर पुलिस चौकी भी है, लेकिन वहां कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, जिससे बदमाशों को किसी तरह से कोई डर भी नहीं रहा। आज रात को 3:30-4 बजे के आसपास कितना माल गया है ये पूरा पूरी और जल्द अपने बात पता चलेगा, लेकिन चोरी भी है। सीसीटीवी फुटेज देखे गए, उसमें करीब 7-8 लोग दिख रहे हैं, 25 से 30 साल के लोग प्रयास कर रहे हैं उनको जल्दी से। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।